तो करते अगली खबर की ओर। खबर रखांजूर से है, जहां पर छोटे बैटिया थाना इलाके में तीन पुलिसकर्मियों ने आदिवासी समाज के कुछ लोगों से वे बेवजह मारपीट कर दी, जिसके बाद गांव के लोगों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा आ गया और सैकड़ों लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। बता दें कि इलाके में कोटरी नदी के पार करने के लिए पुल की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते गांव के लोग नाव से नदी पार करते हैं। इधर तीन पुलिसकर्मी नशे की हालत में नदी के पास पहुंचे और आदिवासी लोगों पर लाठियां भांज दी। पुलिसकर्मियों ने आरोप लगाया है कि नक्सलियों को ये लोग सामान भेजते हैं। इधर गांव के लोगों को घटना की जानकारी लगी तो सभी लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। हालांकि तीनों पुलिसकर्मियों ने माफी मांगी है, मगर मामला थमा नहीं, जिसके बाद थाना प्रभारी ने लोगों के पैर पकड़कर माफी मांगी, तब जाकर मामला शांत हुआ। पहले बार मारा इसको बंदूक से मारे और हमको मारा तो जोरदार हमको जफड़ से मारे और बाकी लोग मार रहा तो लोग बेचारे लड़का लोग था उसको थोड़ा लोग झुक गया इसलिए उसको मारा नहीं। गंधा में रखा। हाथ से मारने का भी आरोप लगाया सर? हाँ हाथ में ही उसको मैं ये मेरे को गलत बता रहा है। सर आपके स्टाफ बता रहा है कि आप हाथ से मारे इसको क्या बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं मार रहा हूँ वो ऐसे हुआ है। आपका स्टाफ खुद बोल रहा है सर, पब्लिक भी बोल रही है कि आप हाथ से मारे बंदूक से मारे। मेरा दोबारा गलती नहीं होगा, मैं माफी चाहता हूँ। बाबा खांजूर क्षेत्र के कोटरी नदी पर नाविकों से